हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप अगर किसी डेट पर कौन सा दिन है ये पता करना चाहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट है जिस डेट पर कौन सा दिन है ये पता करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आपको ये पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा दिन था। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और यहाँ पर हमको वो फॉर्मूला देखना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमें डेट के अकॉर्डिंग डे के बारे में बता देगा। तो यहां पर लगाना है टेक्स्ट फॉर्मूला। आपने टेक्स्ट फॉर्मूला कई बार यूज किया होगा, ये टेक्स्ट फॉर्मूला लगा लीजिए और उस डेट को सिलेक्ट कीजिए जिस डेट का आपको पता करना है। कॉमा दीजिए और यहाँ पर डबल यूटेड कोट्स में आपको फोर टाइम डी लिखना है लाइक दिस। इस तरह से फोर टाइम डी लिखिए और ब्रैकेट को करिए क्लोज और एंटर प्रेस करिए। देखिए 10/7/2021 को सैटरडे था कि नहीं था वो पता करते हैं। अभी 10/7/2021 की बात हो रही है ना, अभी ये 16/7/2021 चल रहा है। ठीक है, मैं डेट आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये 10/7/2021 यहां पर आ रहा है और 10/7/2021 को सैटरडे था। ठीक है, क्लियर है। और फिर संडे था कितने तारीख को, अब तो 11 को तो संडे हो ही जाएगा, तो ये संडे हो गया। फिर 12 तारीख को मंडे हो गया। इस तरीके से आप किसी भी डेट का इस तरह से पता कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब सपोज कीजिए कि यहां पर अगर कुछ और डेट अगर मैं डाल देता हूं, ठीक है, तो भी क्या ये ले लेगा क्या, आइए देखते हैं। यहां पर मैं कर देता हूं 11/7/2022, ठीक है, सॉरी 2020 कर देते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं 11/7/2020 को सैटरडे था। आइए देख लेते हैं 11/7/2020 को सैटरडे था भी कि नहीं था। ठीक है, तो 2020 की बात कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 2020। तो अभी हम बात कर रहे हैं 11/7 यानी 7 यानी जुलाई की बात कर रहे हैं। तो 11 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पे सैटरडे था। तो ये आपको किसी भी डेट का इजिली बता देगा कि इस डेट पर कौन सा दिन था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।